मंजीत सर हमारी गाड़ी चला रहे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, बॉम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है छुट्टी क्योंकि आज है संडे और सुबह सुबह संडे का गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट भी आ गया है। आज बना है ब्रेकफास्ट में दलिया। तो ये बताओ, ब्रेकफास्ट हो गया सबका? कैसा लगा था ब्रेकफास्ट? सही नहीं बना था? अच्छा, क्या कमी थी? नमक कमी। सही बात है, मुझे उन्होंने ज्यादा कोर दिया। अच्छा, सही नहीं तला था? नहीं, मुझे भी सही नहीं लगा था। तो ऐसा करो, खा लो, ये कुछ खा लो, नमकीन वगैरह, और फिर तुम्हें याद करने हैं चैप्टर्स। ठीक है, चैप्टर्स याद करने का तरीका बताएं। जैसे कुछ भी तुम याद करो, हैं, फिर उसके बाद आंख बंद करके उसको सोचो, सोचे हुए को फिर पढ़ो। ठीक, फिर उसके बाद आँख खोल के जो भी तुमने सोचा है और पढ़ा है उसे लिख लो, समझ लो कन्फर्म हो जाएगा, भूलोगे नहीं। ठीक, यही तरीका अपनाओ, बाद में तुमसे सुनते हैं, फिर देखना पक्का सक्सेसफुल हो गए। तो हॉस्टल में फिलहाल अभी भी 17 ही बच्चे हैं, अभी ना कोई आया है, और जाने की तो बात ही छोड़ दो क्योंकि अभी तो बच्चे आए ही हैं। तो फिलहाल उनको टास्क दे दिया है, तो देखते हैं कितनी देर में याद करते हैं और सुनाते हैं। क्वेश्चन आंसर हैं, चलो बताओ। पहला बताना है, व्हेन शुड वी गो टू बेड? इवनिंग। क्वेश्चन को समझ के याद करो, ठीक है? ऐसा थोड़ी नहीं, उसमें पहला आएगा दूसरा आएगा, ठीक है? तो उसमें क्वेश्चन आएगा, उसे समझ लो ये पूछ के आ रहा है, उसी हिसाब से आंसर देना होता है। फिलहाल बच्चे याद तो सही से कर रहे हैं, बट जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो कहते हैं सर जी पहला है, दूसरा है, तीसरा है, लॉजिक नहीं समझते, पूछ के आ रहा है क्वेश्चन। अब छोटे बच्चे हैं, अब धीरे धीरे उनको समझाएंगे तो उनके समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा है, अगर हिंदी आप निकालना जानते हो, अगर आप लॉजिक समझ गए क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, तो आप आंसर अल्टीमेटली कर सकते हो। अगर याद नहीं है तब भी कर सकते हो, अगर स्टोरी याद है आपको इस चैप्टर की तो। और ये रहा अपना सोलर पैनल का इन्वर्टर सिस्टम। तो ये इन्वर्टर है 5 किलोवाट का, और सोलर पैनल लगी हैं 900 या 2700 वाट की। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आ रही है। स्क्रीन में आ रहा है बैटरी चार्जिंग ऑन है, सोलर ऑन है, लोड ऑन इन्वर्टर मतलब लोड चल रहा है, मोड इको है, इसमें सब कुछ आती रहती है, डिटेल आती है, और इतनी आवाज़ करता है ये। फिलहाल समरसेबल ऑन कर दिए, इसका बाल बंद करते हैं, टंकी में यहाँ से पानी चला जाएगा। ओ भाई, हो जा बंद। और ये रहा किचन के टैंक का बाल, तो फिलहाल ये बंद है, इसको ऑन करते हैं, क्योंकि इसमें अगर पानी जाएगा तो ये बात बनेगी, खाना आना तभी बन पाएगा। तो फिलहाल ऑन हो गया है, ऊपर टैंक रखा है, और ये रही किचन। फिलहाल ये यहाँ पे मेन गेट भी खुला है और अंकल जी नहीं आए हैं, तो इसको बंद करते हैं फिलहाल। ऐसे पता नहीं कौन कहाँ आएगा, एक तो मैं अकेला हूँ, अगर कोई आया तो जान भी नहीं पाएंगे। बंद कर दिया, अगर कोई आवाज़ भी देगा तो खोल देंगे। समर फिलहाल अपने सोलर से स्टार्ट हो गई है, तो अभी टंकियों में पानी जा रहा है, इधर भी जा रहा है और उधर भी जा रहा है, जो बाथरूम की टंकी है उसमें भी जा रहा है। तो फिलहाल पानी चलने देते हैं, देखते हैं अगर डिस्चार्ज वगैरह होगी तो फिर बंद कर देंगे, वरना जब टंकी भर जाएगी उसके बाद ही बंद करेंगे। फिलहाल तो वोल्टेज चेक करते हैं, देखते हैं कितने आ रहे हैं। वोल्टेज आ रहे हैं 220 के करीब आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही वोल्टेज आ रहे हैं, चार्ज भी हो रहा है, अपनी समरसेबल भी चल रही है। एक खुशी की अपडेट ये भी है, जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, जिनको डेंगू हो गया था कुछ दिन पहले, फरुखाबाद में भर्ती थे, 5-6 दिन भर्ती रहे होंगे, तो फिलहाल वो अब बिल्कुल सही है, उनकी प्लेट्स भी सही हो गई हैं। सोचो अब 30,000 रही थी मात्र, फिलहाल अभी 1,00,000 है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। चलो अभी पढ़ाई बंद कर दो, खाना बन गया, खाना खाओ चल के। चलो अंडे स्पेशल खाना बन करके आ गया है, ये है आलू की सब्जी और ये है पूड़ी, तो फटाफट से फिनिश करते हैं। पढ़ेंगे क्या? बोलते हैं कि मम्मी अच्छा नहीं लगता है। सर से बोल दिया, सर से बोल दिया, प्रिंसिपल सर से बोल दिया। चलो ठीक है। तो ऊपर रूम से में लग रही है बहुत तेज से गर्मी, तो मैं अभी इस रूम में बैठा था, तभी अरविंद सर की कॉल आई है, तो वो आ रहे हैं मिलने, शायद उनके जो भतीजे हैं ना दोनों, तो वो रहेंगे हॉस्टल में, तो देखते हैं सर जी से मिलते हैं, और आने वाले होंगे ही पास में ऐसा है। फिलहाल अरविंद सर जी तो नहीं आए, बट पार्टी के लिए देखो समोसे आ गए, और ये रही कोल्ड ड्रिंक। तो ये बच्चा पढ़ता है ना क्लास 8 में ऋषि, तो वो उस रूम में बैठे हैं, उसमें पार्टी कर रहे हैं, तो वो भी देखे गए। फिलहाल फिनिश करते हैं, तब तक आ जाएंगे सर जी। फाइनली आ गए अरविंद सर जी, वो वहाँ पे खड़े हैं। आ जाओ सर जी, बैठे हैं, आ जाओ सर जी, वेलकम सर जी। थैंक यू सर।
बैठो सर जी। तो अरविंद सर जी छोड़ने आए हैं अपने दो भतीजों को जो यहाँ डेली बेस में आते थे, तो उन्होंने हॉस्टल में डाल दिया है यहाँ। तो अभी फिलहाल बच्चे ऊपर गए हैं और सर जी गए हैं कुछ बॉक्स वॉक्स लेने। तो फाइनली ये रहे दोनों भतीजे सर के। तो फाइनली राजेश सर भी आ गए सर जी। हम तो चौंक गए आपको देख के, एकदम से उधर देखा एकदम चौंक गए। कॉल कर देते आप? नहीं, कॉल तो करना चाहते थे लेकिन हम जल्दी में थे। पार्टी में आए सर जी, तीनों लोग मिल के पार्टी कर ले। आज मंगाए कुछ? चलो आने दो, विचार करते हैं। तो वो सर आए ना, कुछ सामान वामान लेने गए। आप बताओ तो भाई, मंगा लें भाई। ठंडा और क्या? ठंडा मोमोज हैं? मोमोज मोमोज अच्छे लगते हैं। आप बताओ क्या खाओगे, जो आप बताओ भाई मंगा लेंगे। फिंगर अच्छा रहेगा। फिंगर है? फिंगर और ठंडा, ठीक। फाइनली सर जी बॉक्स ला चुके हैं। कितने का आया सर जी? 1100 रुपये का। 1100 का बॉक्स? खैर बड़ा भी है, आराम सामान सेट कर लो। चलो हम लोग भी हेल्प करवा रहे हैं। चलो नीचे पहुंचो सब लोग, चलो खेलो। चल गए, 5 बज गए। ये देखो अंकित गिरा, ये सर जी ने मारी। स्कूल पास। फिलहाल का सीन ये है, मुझे जाना है डीजल लेने। चलते हैं ओमनी से, क्योंकि स्कूटी वगैरह तो है नहीं। जा रहे हैं डीजल लेने। फाइनली हम लोग जा रहे हैं डीजल लेने। फाइनली हम लोग GT रोड पे हो रहे हैं। मंजीत सर हमारी गाड़ी चला रहे हैं। हम लोग फिल्टर पे पहुंच चुके हैं। बंटू वगैरह ना कोई और, तुम ही हो। फाइनली फिलिंग स्टार्ट। मोमेंट लेना था यार। तो फाइनली आज हॉस्टल में 26 बच्चे हो गए हैं। कुछ पुराने थे और 4 गर्ल्स आई हैं आज, और 5 बॉयज हैं। पांच चार 9 आए हैं नए, और बाकी के कल ही आ गए थे हैं, कल परसों में। तो टोटल हैं 26। ठीक है, खाना बन गया, आराम से खाना खाओ जाके। Yes, yes, yes.